हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हम लोग अच्छे नहीं हैं, क्योंकि मेरी तो तबीयत जो है कल से ख़राब थी। मैं सोच रहा था कि मुझे छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही अड़चनों के बाद जो है अब जाके मैं फ्री हुआ हूँ। मेरा डॉक्टर के पास 10:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, जो कि कैंसिल हो गया किसी कारणवश। अब दोबारा जो है डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए एक दिन पहले कॉल करना पड़ता है। अगर आप टाइम पे नहीं गए तो फिर आपको आगे भी नहीं लेते हैं, ऐसा तो हमने देखा नहीं है। क्यों तूने दोबारा कॉल किया तो क्या बोले डॉक्टर साहब? अब हम जो है दूसरे हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराएंगे। मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है, सर्दी जुकाम खांसी, ऐसा लग रहा है कि बस सर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है। लूज मोशन में तो थोड़ा सा आराम मिला है, क्योंकि इसने मुझे एक डिपेंडल दे दी थी, लेकिन फिर भी मुझे उतना रिलीफ नहीं मिला है। मैंने पहले दिन डोलो खा ली थी, दूसरे और तीसरे दिन मैंने जो है ओनसेट 3D खा ली थी। लोग सोचा आराम मिल जाएगा तो अपना काम का चालू रखेंगे, लेकिन आराम जो है मिल ही नहीं रहा है। अभी जब मैं की हैंडओवर करने के लिए गया था तो इसका फ़ोन आया बीच में, बोले मुझे भी सर्दी जुकाम हो रहा है, मुझे भी जो है हरारत टाइप की हो रही है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन इसको भी हो गया। तो हम दोनों ही अब डॉक्टर के पास जाएंगे और जो भी अपडेट होगा आपको देते रहेंगे। बीमारी में तो बस ऐसा लगता है अपने घर पर हो, परिवार का सपोर्ट मिले, और बाहर जो है अगर आप रह रहे हो तो ये समझ लीजिए कि भगवान के अलावा आपका कोई हितैषी, कोई सहारा नहीं है और कोई हितैषी नहीं है। पूरी दुनिया स्वार्थी है, हर व्यक्ति स्वार्थी है, हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ में लगा हुआ है, किसी को किसी की पड़ी नहीं है। आप मर जाओ चाहे आप कुछ हो जाओ, मरने के बाद भी जो है आपको काम करना ही करना है। ऐसी तो आजकल सिचुएशन हो गई है, मतलब कहने की बातें हो गई हैं। ये वर्क लाइफ बैलेंस है कुछ नहीं है, सब फालतू की बातें हैं और ये किताबों में ही अच्छी लगती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत बैलेंस बना रहेगा, नहीं तो आप अकेले हो, बाहर अकेले ही हो, अकेले रहोगे और कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। सामने से सब आपको बोलेंगे कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ, ये आ जाएंगे वहाँ पर, वो आ जाएंगे, उनकी मैडम आ जाएंगी, हम हैं बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए। जल पे तो हटा ले काली चरण। तूने हमें काली चरण क्यों कहा है? तूने काली चरण की कहानी नहीं सुनी? व्यक्ति की पहचान विपत्ति में ही होती है। जब आप किसी से मदद मांगते हो मुसीबत के समय में, जब आपको वास्तव में अपने ऊपर जब आती है, तब सब पल्ला झाड़ लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर थोपने लगते हैं, बहानेबाजी करने लगते हैं। तो इसी तरह का ये संसार है, ये समझ लीजिए आप अकेले हो, अपनी सुरक्षा आपको पहले करनी है। और मेरा तो सीधा सा पंडा है, सबसे पहले अपना परिवार और अपनी जान। जान है तो जहान है, आप स्वस्थ रहेंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपको कुछ हो गया तो कौन देखने वाला है? कोई कुछ नहीं कहेगा, दुनिया चलती रहेगी। इसीलिए पहले जो है अपना ख्याल रखो, बाद में जो होगा देखी जाएगी। तो अब हम फिर से अपॉइंटमेंट वगैरह लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी डॉक्टर के पास से दिखाने। यहाँ परकार हॉस्पिटल है, उस वहाँ गया था मैं। वहाँ डॉक्टर ने सबसे पहले ब्लड प्रेशर टेस्ट किया और टेम्परेचर टेस्ट किया और पल्स वगैरह भी चेक की। उसके बाद उन्होंने जो है ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उन्होंने मुझे मेडिसिन दे दी है और बोला है 3 दिन का आपको बेड रेस्ट करना है, कफ वगैरह है और कफ होने के कारण आपको बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहो। 3 दिन के बाद अगर आप ठीक नहीं होते हो तो आपको मेरे पास वापस आना है, फिर हम कुछ टेस्ट लिखेंगे तो वो टेस्ट आपको करवाने होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ और आप सभी लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं 3 दिन में जो है ठीक हो जाऊँ। तो मुझे इतनी सारी दवाइयाँ 3 दिन में खानी है, कुछ दवाई दोपहर को खानी है, कुछ सुबह शाम खानी है, कुछ सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खानी है और मुझे गार्गल भी करना है। अगर इसके बाद भी ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। और डॉक्टर ने ये भी बोला है कि आप जो है स्टीम लीजिए, स्टीम लेने से भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो मैं वही करने वाला हूँ, अब मैं सुबह और शाम 2 टाइम स्टीम भी लूँगा। तो अभी जो है मैं दवाई खा लूँगा और दवाई खाने के बाद मैं रेस्ट करूँगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप रेस्ट करो, रेस्ट ही बहुत ज़रूरी है। इसको भी बोला था मैंने कि तू भी चल दवाई लेने के, खराश हो रही थी ना हल्की हल्की, इसको भी सर्दी जुकाम हो गया है, चल दर्द हो रहा है, बताओ। सर में दर्द हो रहा है, सो अलग गला भी दर्द हो रहा है। हाँ मुझसे ही आया है तो मैंने इसको बोला था कि तू भी दवाई लेके आ, तो जब बदमाश इतना है दवाई लेने नहीं गया। क्यों नहीं गया तो दवाई लेने के लिए? मैं अपनी दवाई लेके ठीक हो जाऊंगी।
हर बार ऐसी करती है। लास्ट टाइम भी मुझे कोविड हुआ था और गारंटी है इसने मुझे बाद में बताया कि कोविड जो है मुझे भी हुआ था। बहुत तेज मैं चुपचाप ये दवाई खा लेती थी, सहन कर लेती थी। ऐसा थोड़ी होता है, आपको सहन नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़। सहन कोई भी चीज़ करनी ही नहीं चाहिए, जो चीज़ गलत है वो सहन करनी ही नहीं चाहिए। और मैंने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि चल तू भी दवाई लेने, क्योंकि करवा चौथ है तो व्रत रखा हुआ है इसने। अब रात में पानी भी नहीं पिया है अभी तक, खाना भी नहीं खाया है, तो इतने में फिर उसको मैं डुलाऊंगा बुलाऊंगा तो और ज़्यादा तबीयत होने के चांसेस हैं। इसीलिए मैं अकेला जाके दवाई लेके आ गया, नहीं तो हर बार मेरे साथ में जाती है। केंद्र सर मिले, केंद्र सर बोले अरे आप फिर से आ गए। वहाँ के बहुत ही सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं केंद्र सर, तो उनकी स्माइल बहुत अच्छी है और वो ऐसे देखते हैं ना और स्माइल करते हैं, मुझे देखते ही स्माइल करने लगे और बोले कि आप जो फिर आ गया। मुझे देखते ही बोले क्या हो गया, मैंने कहा सर सर्दी जुकाम बदन दर्द उल्टी लूज मोशन वगैरह लगे हुए हैं, बाकी लूज मोशन में तो आराम है। तो उन्होंने बताया कि कोई इशू नहीं है, ये मौसम चेंज हो रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो मेरे को चाबी दे दो, मैं चला जाऊं। काहे की चाबी, बाइक की बाइक चलानी आती तेरे को तो? हाँ ले जा, तू इतनी भीड़ में ले जा सकती है तो ले जा। कितनी भीड़ में? तू ले जा, मैं तो मैंने तो मना नहीं किया। नहीं कितनी भीड़ में, मैं रात में 11 बजे तुम्हें लेने आऊँ तो सही है, क्योंकि बस तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है तो भीड़ है। अब तू अब ना आऊँ मैं रात में 11 बजे। रात में 11 बजे लेने आई थी, ऑडिट के टाइम में रात में 11, 12 बजता था, तो मैं चुपचाप रोड पे अकेला खड़ा रहता था, कोई व्हीकल नहीं, कोई वाहन नहीं। एक सर मुझे मेन हाईवे तक छोड़ते थे और वहां से जो है मैं इंतजार करता रहता था। एक दिन तो कुछ आया ही नहीं, व्हीकल वगैरह मिला ही नहीं, तो ये जो है कार ड्राइव करके आई फिर, और यूं बोल रही थी उस दिन तो हनुमान जी गाड़ी चला के आए हैं मेरी। बहुत डर रही थी, रो रही थी, जैसे तैसे जो है आ गई। तो चलिए दोस्तों अब मैं जो है दवाई खा लेता हूँ, दवाई खा के रेस्ट करूंगा। आप भी अपना ध्यान रखिए, मौसम बहुत चेंज हो रहा है, और आप तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं या घरेलू उपचार करते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलेंगे हम फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।